सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 22 सितंबर को संत थॉमस ऑफ विलानोवा का पर्व मनाती है। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने संत अगस्तीन की संस्था में दाखिला लिया। उनके पुरोहित बनने के बाद 1544 ईस्वी में वे वलेंसिया के मुख्य धर्माध्यक्ष चुने गए। मुख्य धर्माध्यक्ष बनने के बाद वे पुरोहितों के जीवन में और कलीसिया के लोगों के जीवन में भी काफी सुधार लेकर आए। एक बार उन्हें उनकी संस्था के लिए 4000 सोने के सिक्के दान के रूप में दिए गए, पर उन्होंने उसे अस्पताल की सहायता के लिए दे दिया। उन्होंने पुरोहित बनने आए युवकों के लिए एक विद्यालय का निर्माण भी किया और अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय भी खोला। वे पीड़ित और दुखी लोगों की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते थे। उन्होंने गरीबी में साधारण जीवन बिताकर दूसरों के लिए एक नमूना दिखा दिया। उनकी मृत्यु 1555 ईस्वी में हुई और 1 नवंबर 1658 ईस्वी में संत पिता अलेक्जेंडर सातवें ने उन्हें संत घोषित किया। आइए आज हम भी संत थॉमस के माध्यम से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी उनके जैसा मन और सेवा भावना दे, ताकि हम भी उनकी तरह प्रभु के कार्यों को कर सकें।